हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हैशटैग इनसेन। तो फ्रेंड्स, आप सब व्हाट्सएप में स्टिकर तो सबको सेंड करते होंगे, पर आप वही स्टिकर सेंड कर पाते हो जो आपके व्हाट्सएप में इनबिल्ट आते हैं, मतलब आपके व्हाट्सएप में डाउनलोड हुए आते हैं। तो अगर आप अपने ही खुद के बनाए हुए व्हाट्सएप स्टिकर अपने फ्रेंड को सेंड करोगे तो कितना कूल लगेगा और यूनिक लगेगा। तो अगर आपको ये इस वीडियो में ये ट्यूटोरियल सीखना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साइड में इस बेल आइकन को दबा दो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको दो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिनका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको अंदर से उन एप्लीकेशन का इंटरफेस दिखा रहा हूँ जो आपको डाउनलोड करनी है। तो एक है बैकग्राउंड इरेजर, जिसका इंटरफेस ये रहा ऐसा है, और दूसरी है व्हाट्स पर्सनल स्टिकर फॉर व्हाट्सएप, तो उसका इंटरफेस ये रहा। तो आपको ये दोनों एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है अपने फ़ोन में, ये रहा उनका इंटरफेस। बस ये दो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी है, वो है ये दोनों, एक पर्सनल स्टिकर फॉर व्हाट्सएप और एक बैकग्राउंड इरेजर। तो आपको ये डाउनलोड करना है और आपको कुछ नहीं करना, आपको जिस चीज़ का भी स्टिकर बनाना है, कुछ भी चीज़, कोई फ़ोटो या फिर कोई कार वार कुछ भी किसी भी चीज़ का, तो यहाँ पे बैकग्राउंड इरेजर पे क्लिक करना है आपको। और यहाँ पे लोड फोटो का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे लोड अ फोटो, इस पर सिंपल क्लिक करना है। और यहाँ पे आपसे पूछेगा किस चीज़ में जाना है, यहाँ पे तीन ऑप्शन आएंगे, गैलरी, फोटो, ड्राइवर। तो आपको जिस चीज़ में से लेना आप उस चीज़ में से ले सकते हो। तो मैंने गैलरी में से लेना है, तो गैलरी में सिंपल ओपन करूँगा। और ओपन करने के बाद मैंने बहुत सारे यहाँ पे रेजर बना लिए, पर मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी हो। तो मैं ये वाला कार्ट में से ये वाला, इसको आप सिंपल क्रॉप कर लो, मुझे ऊपर का इतना सर्कल लेना है अपने चैनल का, तो मैं सिंपल इसे क्रॉप कर लेता हूँ। और फिर डन पे क्लिक करना है मुझे। डन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप किसको खुद भी मिटो सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑटो का ऑप्शन आ रहा है, मैं खा रहा हूँ आपको ऑटो का ये वाला। जब आप इस पर सिंपल क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे दो बोल आ गए नीचे, रेड छोटी सी और एक ये वाली बड़ी बोल। तो आप इसे ब्लैक पे, दोनों बोल ब्लैक पे ले जा के ऐसे सिंपल छोड़ देना है, तो बैकग्राउंड इरेज हो गया। और बस आपको डन पे क्लिक करना है, और डन पे क्लिक करने के बाद फोटो की स्मूथनेस बढ़ा लो जितनी बढ़ाने, 4-5 जितनी मैं फुल कर लेता हूँ 5, और उसे सेव कर लेता हूँ। तो अब ये आपको यहाँ पे एक फ़ोटो ही नहीं बनानी, आपको यहाँ पे तीन फ़ोटो लगातार बनानी है, क्योंकि व्हाट्सअप जो है वो तीन फोटो को सपोर्ट करता है। अगर आप एक ऐड करना करोगे तो एक ऐड होएगी नहीं, तो इसलिए आप तीन फोटो का ऐसे स्टिकर बनाना और उसे ऐड कर देना, और फिर सिंपल फिनिश पे क्लिक कर देना। फिनिश पे क्लिक करने के बाद ये ऐड आएंगे, इन्हें क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद सिंपल आपको बैक जाना है, यहाँ पे पर्सनल स्टिकर फॉर व्हाट्सएप के ऐप इस पर एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। तो मैंने पहले से ही ऐड कर रखे हैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको कैसे ऐड करना है। मैं नए ऐड करके दिखा दूँगा, जैसे ये वाले पिकार्ट वाले हैं, मैंने ऐड करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है, और यहाँ आपसे पूछेगा ऐड टू व्हाट्सएप, इसको व्हाट्सएप पे कर देना है। अभी करेगा सेंडिंग टू व्हाट्सएप, टाइम लेगा। तो यहाँ पर पूछेगा वुड यू लाइक टू ऐड पिकार्ड टू व्हाट्सएप, तो इस पर दोबारा ऐड पे क्लिक कर देना, और ये ऐड हो गए हैं। तो बस आप कुछ नहीं करना, अपने व्हाट्सएप को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद मैंने ओपन कर रखा है पहले से, यहाँ पे साइड में स्टिकर वाले पे यहाँ पे क्लिक करना है, इमोजी पे, इस पर क्लिक किया। यहाँ पे नीचे तीन तीन ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो स्माइली सी का, एक गिफ्ट कार्ड, एक ग्रीन वाला। आपको इस ग्रीन वाले पे क्लिक करना है, तो ये रे मेरे पहले से खुल रहे हैं। अब मैं आपको सेंड करके दिखा रहा हूँ कैसे हैं। ये रे अल्बर्ट आइंस्टीन वाला मैं सेंड कर दिया। तो मैं एक मिनट आपको बैकग्राउंड चेंज करके दिखा रहा हूँ, इतना नो वॉलपेपर ये रहा। अब मैं आपको ऐसे ही ये सेंड करके दिखा रहा हूँ ये वाला,
तो ये सिंपल, बस कोई बैकग्राउंड नहीं है और कितने कूल भी लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।